हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूँ। तो यूपीएससी सीसेट या फिर यूपीपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन में जो हमारी वीडियो सीरीज़ है, उसी में आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एवरेज, और हिंदी में औसत बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं सीसेट प्रिपरेशन में, तो आपको ज़रूरी है कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से आनी चाहिए और आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। यदि आप मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के सोचते हैं कि आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो कंसेप्ट भी सिखाता हूँ, ट्रिक्स भी सिखाता हूँ, शॉर्ट्स के थ्रू भी, वीडियोस के थ्रू भी। तो प्लीज़ आप सिलेक्शन क्लासेस को ज्वाइन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे एवरेजेस के बारे में। हाँ, एवरेजेस जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। तो बेसिकली यदि हम इंग्लिश में भी देखेंगे तो हम इसमें एवरेजेस में हम ये हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा का कोई काम नहीं है। तो एवरेज बोलो, एवरेजेस बोलो, औसत बोलो, एक ही बात है। बट आखिर होता क्या है? तो आपने एक बचपन से फॉर्मूला पढ़ा होगा हिंदी में जिसको औसत बोलते हैं। एवरेज निकालने का जो सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सम अपॉन ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशंस मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उनका आपको सम करना है। सम बोले तो योग करना है, जोड़ना है, और कितनी ऑब्जर्वेशंस है उनसे डिवाइड करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ में। हमारे पास कुछ नंबर लिखे हैं, 8, -1, 2, 0, 5। इनका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इनको सम करना है। तो 8 + -1 + 2 + अब जीरो का मतलब ये नहीं है कि आपको जीरो को इग्नोर कर देना, आपको जीरो लेना है, बिकॉज ये एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है। तो इसमें हम जीरो लेंगे प्लस 5। अब ये कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 - 1 = 7 + 2 = 9, 5 = 14। भाई 7 × 7 = 14 / 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 2.8। तो 2.8 इनका एवरेज है। बट एवरेज बेसिकली आपको बताने की कोशिश क्या करता है, तो एवरेज का यदि हम मोटा मोटा अंतर समझेंगे तो इसका मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं उसको इक्वली डिवाइड कर दो। हाँ, इक्वली डिवाइड कर दो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 100 चॉकलेट्स हैं और 10 बच्चे हैं, तो प्रति बच्चे को हम कितनी चॉकलेट यदि इक्वली देना चाहेंगे तो कितनी चॉकलेट दे सकते हैं, तो 100/10, मतलब हर बच्चे को हम 10 चॉकलेट दे सकते हैं। लेकिन यदि मान लेते हैं एवरेज आपको गिवन है 4, भाई मान लो एक टेस्ट होता है क्लास में, टेस्ट 20 नंबर का, तो मान लेते हैं 20 नंबर का टेस्ट हो रहा है और हम आपसे ये बोल देते हैं कि एवरेज जो मार्क्स हैं क्लास में वो 16 है। कितने मार्क्स हैं, 16। तो इस बात का ये मतलब है कि ओवरऑल क्लास का जो एवरेज है वो 16 मार्क्स है। लेकिन इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सबके 16 नंबर आएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। सबके 16 आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एवरेज 16 है। मतलब ये जो क्लास है 20 में से 16 नंबर का इनका परफॉर्मेंस है। अब जैसे हम मान लेते हैं क्लास में 2 ही बच्चे होते हैं, एक के नंबर आ गए लाइक 15 और एक के नंबर आ गए 17। तो क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों का 20 में से 15 आया, 20 में से 17 आया, तो अब इनका एवरेज कितना होगा? तो एवरेज मैंने बताया था 15 और 17 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 16। तो 16 किसी के नंबर नहीं है, एक के 15 हैं, एक के 17 हैं, लेकिन एवरेज क्या करता है, सबको बराबर देने की कोशिश करता है। तो एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी बात आई थिंक इसके बेसिक आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन को आपको टैकल कैसे करना है। ठीक, अब जैसे हमारे पास एक नंबर है, यहाँ कुछ नंबर्स में लिखता हूँ, 998, 1002 और 997 में 1003 और उसके बाद 995, 1005 और 994 में 1006। आपसे बोला जाएगा इनका एवरेज कर दीजिए। तो जो
बहुत तेज व्यक्ति होंगे जो मैथ्स में सोचते हैं कि यार सर ने तो अभी सिखाया, एवरेज कर देते, सबको जोड़ना है और डिवाइड कर देना, एक तो तरीका ये है। बट जो मैं आपको सिखाने चाह रहा हूँ, आप उसको समझने का कोशिश करिए कि हमको एवरेज निकालना है, ये नंबर बड़े हैं, इनको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, यदि कैलकुलेटर नहीं है तो इसको जोड़ने में आपको थोड़ा बहुत समय लगेगा, बट आपको इसको आसान कैसे करना है। तो यदि हम एवरेज की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, इनका जो एवरेज है हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम बोले तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ, भाई ये नंबर मुझे 1000 के आसपास दिख रहे हैं, आपका मन है कुछ भी मान लेना, कुछ भी, जीरो भी मान लेना, माइनस मान लेना, आंसर सेम ही आएगा। ये नंबर 1000 के नज़दीक है तो मैंने इनका नंबर एवरेज अज्यूम कर लिया, मतलब मैंने ये मान लिया कि इनका एवरेज 1000 है, बट है या नहीं है वो मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने मान लिया 1000 है, ठीक है। अब एक टर्म होती है डिविएशन, डिविएशन जिसको हिंदी में, यदि मैं गलत नहीं तो विचलन बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर कि हिंदी मेरी करेक्ट है, पर डिविएशन मतलब विचलन बोलते हैं हिंदी में, यदि मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो डिविएशन, अब डिविएशन का मतलब क्या होता है भाई, ये 998 जो आपने माना है 1000, उससे कितना दूर है, कितना दूर है सर, ये माइनस 2 का दूरी है, 1001 इससे कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 1 ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, 999 इससे कितना दूर है, माइनस का 1 दूर है, 1002 इससे कितना ज़्यादा या कम है, 2 ज़्यादा है, 997 इससे कितना कम है, 3 कम है, 1003 इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 995 इससे कितना कम है, 5 कम है, 1005 इससे कितना ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, 994 इससे कितना कम है, 6 कम है, 1001 कितना ज़्यादा है, इससे 6 ज़्यादा है। तो अब मेरे लिए ईजी हो गया कि मैं नंबर नहीं जोड़ना चाहता, मैं इन अंकों को जोड़ के देख लूँगा भैया कितना है जोड़ के, तो जब आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डिविएशन कितना आ गया भाई, इनका विचलन कितना आ गया, डिविएशन आ गया ज़ीरो, कितना आ गया ज़ीरो। अगर डिविएशन ज़ीरो है, अगर डिविएशन ज़ीरो है, इसका मतलब जो नंबर आपने अज्यूम किया है, जो माना है, वही उसका एक्चुअल एवरेज हो जाएगा, वही उसका एक्चुअल एवरेज हो जाएगा। तो जब भी आपको एवरेज निकालना है विचलन वाले तरीके से, तो मैं आपको बता देता हूँ, न्यू एवरेज, न्यू या फिर एक्चुअल एवरेज वो कितना होता है, तो वो होता है अज्यूम्ड एवरेज प्लस माइनस डेविएशन, कितना आपका डेविएशन है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो ये आपके लिए चीज़ें आसान करके दे देगा, नहीं तो आप इसमें जोड़ते रहिए लगाते रहिए, आपका टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, एक ये बात समझ में आती है, अब इसका मतलब क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, बस एक चीज़ और नोट कर लो, जैसे मैंने बताया इफ़ डेविएशन यदि ज़ीरो हो गया, डेविएशन कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, यदि डेविएशन ज़ीरो हो गया, मैं यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो अपॉन समथिंग विल बी ज़ीरो, इसका मतलब यदि डेविएशन ज़ीरो है तो जो आपका अज्यूम्ड एवरेज है वही आपका एक्चुअल एवरेज भी आ जाएगा, तो फिर कोई दोनों में अंतर नहीं रहेगा, फिर कोई दोनों में मतलब जो आपका एक्चुअल एवरेज है वही आपका अज्यूम्ड एवरेज, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर सीखी। जैसे इसी की एप्लीकेशन एक और सीखते हैं, जैसे हमारे पास कुछ नंबर हैं लाइक 797, 804 और 798, 802, 805, इनका हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। मेरा मन नहीं है इनको जोड़ने का, तो मैं क्या करता हूँ, अपना दिमाग, जैसे मैंने बताया ना हमने अज्यूम कर लिया, इनका अज्यूम कर लो भाई, ये नंबर 800 के नज़दीक है, मैंने 800 मान लिया, बट क्या ये 800 इनका एवरेज होगा वो चेक कर लेते हैं। तो इनका डिविएशन देखते हैं, सबसे पहले डिविएशन, तो 797 से कितना कम है भाई, 797 800 से 3 कम है, 804 इससे कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 798 इससे कितना कम है, 2 कम है, 802 इससे कितना ज़्यादा है, 2, और 805 इससे 5 ज़्यादा है, तो कितना हो गया डेविएशन भाई, 4 में से 3 का 1 प्लस 5, 6 डेविएशन है, कितना है, 6 डेविएशन। अब हम नया एवरेज निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था न्यू एवरेज कैसे निकालेंगे बच्चा, पुराना आपने कितना माना है 800, अब आपको प्लस 6 और करना है, लेकिन 6 जो है वो बराबर डिवाइड करना है, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर किस में बांटना है, 5 संख्याओं में, किस में बांटना है, 5 संख्याओं में, तो डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 800 प्लस 1.2, तो एक्चुअल एवरेज आपका 801.2,
या फिर 801.2 आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो डेविएशन वाली बात है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चन इस पर आते हैं तो बच्चा उसको जोड़ने लग जाता है। बट ना थोड़ा सा मैथ्स लगाना सीखो, मैथ्स की एप्लीकेशन सीखो, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि इसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड है। मान लेते हैं क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, 20 ऑब्जर्वेशंस वाज 15 बट लेटर इट वाज फाउंड दैट टू ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली एंटर्ड 37 एंड 91 इंस्टेड ऑफ 73 एंड 90 फाइंड करेक्ट एवरेज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका क्वेश्चन का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ फिर इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। बोलता क्या है हमसे कि 20 ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है 20, उनका एवरेज 15 है भाई, 20 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज 15 है। लेकिन समस्या क्या हो गई कि जो दो ऑब्जर्वेशन है उनको किसी ने गलत पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया 37 और 91 पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया 37 और 91, लेकिन वो थे कितने 73 और 19, मतलब उल्टा पढ़ लिया भाई, 37 को 73 पढ़ लिया और 91 को 19 पढ़ लिया। तो जब ऑब्जर्वेशन चेंज हो गए तो ऑफकोर्स भाई एवरेज तो चेंज हुआ होगा, तो वही आपको करेक्ट एवरेज निकालना है, ठीक है। अब इसको करने का जो बेसिक मेथड है वो तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इसका जो मैंने आपको एप्लीकेशन सिखाया उसके बारे में बता देता हूँ, डेविएशन से कैसे करेंगे, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बताओ भाई, एक तो है एंट्री और एक है एग्जिट, मतलब इसमें किन नंबर्स की एंट्री हो रही है भाई। आने वाले नंबर है 73 और 19, जाने वाले कौन है भाई, 73 किसकी जगह आ रहा है 37 की जगह, और 19 किसकी जगह आ रहा है 91 की जगह, ठीक है। तो आने वालों को तो प्लस करना है और जाने वालों को माइनस करना है, जो आ रहा है उसका सम्मान करिए और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे डेविएशन कितना आएगा, डेविएशन तो ये बताओ 73 में से 37 गए तो 36 बचेगा और 19 में से 91 गए तो माइनस का 72 बचेगा। मेरी बात समझ में आई भाई, 37 में से 36 आने वाला कितना है 73 और जाने वाला 37, तो कितना आपको एक्स्ट्रा देके जा रहा है 36, और 19 तो आ रहा है और 91 लेके जा रहा है, तो कितना आपको डिफरेंस दे रहा है माइनस का 72। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज प्लस का 36 माइनस का 72, तो माइनस का 36, मतलब जो एवरेज है अब कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि डेविएशन नेगेटिव आ गया, बस कुछ नहीं करना, आपको करेक्ट एवरेज पूछा है। क्या पूछा है, करेक्ट एवरेज। तो करेक्ट एवरेज करने के लिए आपने माना था जो आपका ओल्ड एवरेज है, जो हमने माना था भाई प्लस माइनस डेविएशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, यही कहानी है अभी तक की, ठीक है। तो पुराना एवरेज कितना है 15 भाई, 15 हमने मान रखा था लेकिन वो गलत था, जो मैंने पिछला सिखाया, मान लेते हैं वो सही होगा तो अगर डेविएशन जीरो आ जाएगा तो सही होगा, अगर डेविएशन कुछ नहीं आएगा तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा एवरेज। तो डेविएशन आपको माइनस का है यहाँ पे, माइनस का 36। अब कितने ऑब्जर्वेशन है भाई साहब 20, कितने हैं 20, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 18 जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 1.8, तो 15 में से 18 गए, मतलब 150 में से 18 गए 132, तो 13.2 इज द करेक्ट एवरेज। तो जो नया एवरेज है, जो सही एवरेज है, वो 13.2 है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको और कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो पार्ट वन में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर रखने का कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि मुझे पता है आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा सा टाइम सी सेट को भी लेना शुरू करिए, क्योंकि सी सेट क्लियर होगा तभी आपके जो डीएम बनने के सपने हैं, आईएएस बनने के सपने हैं, वो साकार हो पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, फॉर योर प्रिपरेशन, हैप्पी लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कैन शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सेलेक्शन क्लासेस, यदि आप सेलेक्शन क्लासेस पर बिल्कुल नए व्यूअर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।